साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट द्वारा, आप यहां पर इसका फाइल संख्या देख सकते हैं, F1-18/2/2024 इस्टेब्लिशमेंट, यह 16 मार्च 2024 को पब्लिश किया गया है। और इसका आप देख सकते हैं ऑफिशियल मेल आईडी जो है यहाँ पर दिया है, फ़ोन नंबर भी दिया है, एड्रेस भी दिया है, 6th फ्लोर A&B विंग विकास भवन 2 सिविल लाइन्स दिल्ली 110054 यहाँ पर। और लोगो भी देख सकते हैं, नेशनल मिशन का है और स्वच्छ भारत का। तो आखिर यह प्रोग्राम है क्या साथियों, आइए हम इसके बारे में डिटेल्स बात कर सकते हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ पोस्ट निकाले गए हैं और वह पोस्ट डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भरे जाने हैं। तो कौन कौन से पोस्ट हैं साथियों, आइए हम पूरा डिटेल्स देखते हैं। एडवर्टीजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर वेरियस पोस्ट अंडर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऑन कंट्रेक्चुअल बेसिस, इंफॉर्मेशन अबाउट वैकेंसीज, क्वालिफिकेशन, अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी एंड मेथोडोलॉजी एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द रिक्रूटमेंट इज गिवन इन द सक्सीडिंग सेक्शंस ऑफ दीज गाइडलाइंस। तो चलिए हम डायरेक्ट आपको बताते हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर, डिजिग्नेशन, नेम ऑफ द अप्रूव्ड पोस्ट, कैटेगरी, डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ पर देख सकते हैं। सीरियल नंबर 3 आप देखेंगे दोस्तों, साइकेट्रिक नर्स है, जिसके लिए 5 पोस्ट अप्रूव किए गए हैं, कैटेगरी UR के अंतर्गत है और डेट ऑफ इंटरव्यू जो है 16 मई 2024 को है। करीब करीब अभी 2 महीने का समय है साथियों। उसके बाद 4 नंबर पर है साइकेट्रिक सोशल वर्कर, उसको छोड़िए, 5 नंबर पर आप देखिए कम्युनिटी नर्स, इसके लिए 4 पोस्ट हैं, UR कैटेगरी में है, इसका भी 16/5/2024 को ही इंटरव्यू है। सब्सिक्वेंट शेड्यूल डेट्स ऑफ फॉर इंटरव्यू इफ रिक्वायर्ड आर एनी चेंज इन शेड्यूल विल बी अपलोडेड ऑन DSHM वेबसाइट। ये जो शेड्यूल दिया है साथियों, अगर इसमें किसी कारणवश एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑपरेशनल रीजन से कोई अल्टरनेट डेट चेंज होते हैं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो DSHM है वहाँ पर अपलोड किया जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो मेन है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रिपोर्टिंग टाइम फॉर इंटरव्यू इज बिटवीन 9:30 AM and 10:30 AM। आपको जो रिपोर्ट करना है ऑफिशियल या 9:30 से 10:30 के बीच दिया है, लेकिन जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, आपको पता है दिल्ली का ट्रैफिक कैसा है, तो आप लोग प्रयास कीजिए कि 9:00 जो वेन्यू दिया है वहाँ पर आप पहुँच जाइए। AM इन द ऑफिस ऑफ द दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन, 6th फ्लोर B विंग विकास भवन 2 सिविल लाइन्स दिल्ली 54, ये आपका एड्रेस है साथियों, एड्रेस ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग आफ्टर 10:30 AM शैल नॉट बी एलिजिबल टू अपियर फॉर इंटरव्यू। 10:30 डेडलाइन दिया है, उसके बाद जो आएंगे उनको इंटरटेन नहीं किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इन टाइम पहुंचेंगे तो आप इंटरव्यू के टाइम पर कूल माइंड से आप दे सकते हैं। अगर लेट करते हैं तो भाग दौड़ में क्या होगा, आपका इंटरव्यू खराब होने के चांसेस रहेंगे। तो आप प्रयास कीजिए कि 9 बजे पहुंच जाइए, आराम से पानी उनी पीजिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरा करिए और उसके बाद कूल माइंड से इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू क्रैक करके ज्वाइन कीजिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। नो TADS शैल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट। तो आप लोगों का इंटरव्यू बेस पर है तो आपको उसके लिए कोई भी TA मीन्स ट्रैवलिंग अलाउंस, DM मीन्स डियरनेस अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा। आइए साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एबो पोस्ट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रिमुनरेशन, AGTC इज एनेक्स्ड बिलो। तो उसके पूरा जो डिटेल्स हैं क्या क्या कैसे हैं मैं एक एक करके आपको बताऊँगा। हाउ टू अप्लाई में देखते हैं, जो यहाँ पर प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उसको आपको कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। 2 अटैच 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, 1 फोटोग्राफ पेस्ट, 1 स्टेपल विद द एप्लीकेशन फॉर्म। 2 आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, 1 आपको पेस्ट करना है एप्लीकेशन फॉर्म पे और 1 एडिशनल स्टेपल करके भेजना है। नेम एंड कोड ऑफ द पोस्ट शुड बी क्लियरली स्टेटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म इन कैपिटल लेटर्स। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका कोड और उसका पद का नाम आपको क्लियरली एप्लीकेशन पे कैपिटल लेटर्स में भरना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शुड बी अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म्स। ये जो सर्टिफिकेट्स मैं बताने जा रहा हूँ इसको, इसका एक कॉपी है जो सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में आपको उसके फॉर्म के साथ भेजना है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th का जो सर्टिफिकेट रहेगा वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए माना जाता है। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, आजकल तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है साथियों बच्चों का, पहले नहीं बनता था तो 10th को ही मान लिया जाता है।
टेंथ का सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अगेन टेंथ का सर्टिफिकेट आपका मांगा गया है, अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप उसको भेज दीजिए। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑल इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जितने भी आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स हैं उसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भेजना है। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इफ एनी, जो डिजायरेबल इसमें जो दिया है, एक इसेंशियल होता है एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होता है, अगर डिजायरेबल से भी संबंधित आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट है उसका भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको भेजना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, करेंट वर्किंग सर्टिफिकेट्स आल्सो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको भेजना है और करेंट में अगर काम कर रहे हैं तो उसका आपको भेजना है। कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एनी, अगर आप पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले अपना वैलिड इनकम और एसेट सर्टिफिकेट देंगे। तो ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में भेजने हैं। वाइल कमिंग फॉर इंटरव्यू कैंडिडेट शुड ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरीफिकेशन, जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए उस समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप कैरी कीजिएगा, अगर आपका सिलेक्शन होता है इंटरव्यू में तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर कुछ आप इसको देख सकते हैं, पूरा सीरियल वाइज दिया है, उतने खास नहीं है। मैं आइए बात करते हैं कि जो आप लोगों का पोस्ट है उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या ज़रूरी है, तो आइए हम डायरेक्ट उस पर बात करते हैं। देखिए जो पोस्ट कोड है सेकेट्रिक नर्स का, यहाँ पे पोस्ट कोड देख सकते हैं ये दिया हुआ है। जो आपका साथियों जो फिक्स पेमेंट मिलेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है तो आपको 50,000 पर मंथ मिलने वाला, अच्छा सैलरी है साथियों। एज लिमिट जो है 35 ईयर्स है मैक्सिमम। अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो बीएससी इन नर्सिंग आर इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाई नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एटलीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन सेकेटरी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल, आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से जो आईएनसी द्वारा अप्रूव्ड हो, और उसके पश्चात आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए साइकेट्रिक में या मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल में, साइकेट्रिक से रिलेटेड या मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। उसके अलावा डिजायरेबल है पीजी डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाई नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर आपके पास नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी इंस्टीट्यूट से साइकेट्रिक नर्सिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो आपको वरीयता दी जाएगी, ये डिजायरेबल है। तो ये हो गया आपका साइकेट्रिक नर्स के लिए साथियों। अब आइए हम कमिटी हेड की बात, कमिटी नर्स की बात करते हैं। तो इसका पोस्ट कोड ये देख सकते हैं ये है, और आपका जो सैलरी मिलेगा 40,180 पर मंथ आपको मिलने वाला है। इसका भी एज लिमिट 35 ईयर्स है। अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाई इंडियन नर्सिंग काउंसिल, उसमें क्या था आपका बीएससी नर्सिंग के बाद आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और कम्युनिटी नर्स के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। डिजायरेबल 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन हॉस्पिटल, अगर आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आपको वरीयता दी जाएगी, लेकिन ये इसेंशियल नहीं है साथियों, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आइए हम बात करते हैं बाबा का अप्लीकेशन फॉर्म का। ये देखिए अप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको फिल करके भेजना है, यहाँ पे एक फोटो आपको लगाना है और एक फोटो यहाँ पे स्टेपल करना है एडिशनल। पोस्ट कोड आपको क्लियरली लिखना है कैपिटल लेटर में, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सेक्रेटरी नर्स के लिए है तो सेक्रेटरी नर्स, और कम्युनिटी नर्स के लिए है तो कम्युनिटी नर्स। पोस्ट अप्लाइड फॉर, पोस्ट कोड और पोस्ट का नाम यहाँ पे लिखना है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट अपना नाम लिखना है, फादर से स्पाउस नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका लिखना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरा 10th से लेके क्रॉनिकल ऑर्डर में आपको 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आपका नर्सिंग का है पूरा इसमें देना है। तो इसमें देखिए सीरियल नंबर है, एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, ऐसे कर देंगे। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन नाम देना है, यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी से है, कोर्स ड्यूरेशन है, ईयर ऑफ पासिंग आउट तो किस साल पास हुए हैं वो देना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स मैंडेटरी कितना परसेंट आपने गेन किया था मार्क्स ये देना है। अब आइए एक्सपीरियंस में देखते हैं, इसमें भी आपको सीरियल नंबर, डेजिग्नेशन, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट या एम्प्लायर, फ्रॉम टू कब से कब तक, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस किससे संबंधित आपके पास एक्सपीरियंस है, सैलरी ड्रॉन कितना सैलरी आपको कैश इन हैंड मिलता था, तो इस प्रकार से आप डिटेल्स इसमें पूरा डाल सकते हैं। इसका सेकंड पेज देखते हैं साथियों, यहाँ मेलिंग एड्रेस आपका रहेगा, जिस जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस ये रहेगा आपको देना है, मोबाइल नंबर आपको 2 नंबर देने हैं तो आप दे सकते हैं, ईमेल एड्रेस आपको देना है, ईमेल आईडी आपका वर्किंग हालत में होना चाहिए। ये मैंडेटरी जो सर्टिफिकेट्स हैं एस नो आपको करना है, टिक करना है, यहाँ पर देखिए एज प्रूफ के लिए हमने सब कुछ बताया है, वहीं एस नो करके वो
उसको अटेस्ट करना है। अंडरटेकिंग आपको देना है, अंडरटेकिंग में ये आपको लिखा हुआ है, केवल पढ़ना है। डेट डालिए, प्लेस डालिए जिस प्लेस से आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे साइन कीजिए। क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ द कैंडिडेट शैल बी लास्ट डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन 29 फरवरी 2024, आपका कट ऑफ डेट है। कट ऑफ डेट से ही आपको पूरा आपको काउंट करना है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज के लिए, ये ध्यान रखिएगा साथियों। तो यह मेन मेन था, पूरा हमने आपको डिटेल्स में बता दिया क्या कैसे क्या करना है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम ये पूरा PDF आपको नोटिफिकेशन का और फॉर्म का अवेल करा देंगे। इसके साथ ही आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हर नर्सिंग अपडेट्स के लिए हमारे साथ। थैंक यू।